नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस की टीच में। दोस्तों, एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमपी बोर्ड की परीक्षा कब से शुरू होंगी और आपको परीक्षा शुरू होंगी तो आपको क्या एहतियात बरतनी होगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो बहुत ही चार पॉइंट यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, इन चारों पॉइंटों को आपको फॉलो करना होगा तभी आप पेपर दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि उन सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड के जो पेपर हैं वो लॉकडाउन ख़त्म होने के 10 दिन के भीतर शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना होगा, सभी को सेंटर्स पर सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना होगा। तो इसके लिए एमपी बोर्ड ने क्या किया है, तो दोस्तों, में लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के बोर्ड ने बची हुई परीक्षाओं को करवाने की कायावत शुरू कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा का तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की स्टूडेंट की तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। कोरोना वायरस के दौर में बोर्ड परीक्षाएं क्या सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में होंगी या फिर परीक्षा कराने के लिए एमपी बोर्ड के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी, बदले हुए हालातों में सुरक्षा के लिहाज से एग्जाम सेंटर में बदलाव रखना होगा। तो दोस्तों, ऐसे में जो है सेंटर को भी 3 से 4 गुना बढ़ाना होगा और अब तक क्लास आपको 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे थे, लेकिन अब आपको 8 से 10 स्टूडेंट एक क्लास में बैठेंगे। और ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम कराने में बोर्ड की सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि दोस्तों, सबसे पहले तो परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल कराना होगा, पहले तो एक सेंटर को 3 सेंटर में तोड़ना होगा। और दूसरा, जो अभिभावक स्क्रीनिंग के दौरान मतलब कि स्टूडेंट और स्टाफ को सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी और जिससे कि संक्रमण ना बढ़ पाए। और दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट है रीवा, सतना तथा सीडोल के माइग्रेट परिवारों के छात्र छात्राओं कैसी परीक्षा करने की व्यवस्था करानी होगी, क्योंकि अगर उसका कोई परिवार वाला संक्रमित होता है तो उस बच्चे को परीक्षा देने के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में बोर्ड के सचिव अनिल सुचारी ने यह साफ कर दिया है कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके 10 दिन के भीतर परीक्षा ली जाएंगी। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड की तरफ से यह बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों, अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2-3 मार्च से शुरू हुई थी आपकी और 29 मार्च तक पेपर हो सके थे, लेकिन अब जो पेपर नहीं हो पाए हैं वो खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर आपकी परीक्षा ले ली जाएंगी। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको एमपी बोर्ड से कोई भी छोटी बड़ी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आप एमपी बोर्ड को ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं कि इस बार परीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक दी है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।